बढ़ते अब आगे, दिल्ली के गोकुलपुरी में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर 16 राउंड फायरिंग की। बाइक सवार चार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग में एक शख्स जख्मी हो गया। पुरानी रंजिश में ताबड़तोड़ फायरिंग करने का अंदेशा लगाया जा रहा है। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये देखिए, गोकुलपुरी में बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। पुरानी रंजिश के चलते बताया जा रहा है कि फायरिंग की हो, और तस्वीरें देखिए सीसीटीवी में, यह अपराधी कैद हो गया है, यह आरोपी कैद हुआ है, जिसमें ये साफ तौर पर बदमाश नजर आ रहा है, जो कि गोली चलाकर वहां पर फरार होता नजर आया। बाइक सवार चार बदमाशों ने इसको अंजाम दिया। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, देखिए, गोकुलपुरी में एक व्यक्ति आता है, ताबड़तोड़ 16 राउंड फायरिंग करता है। बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर इस वारदात को अंजाम दिया है। खुलेआम बंदूक लेकर घूम रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। क्या प्रशासन का कोई डर नहीं है इनमें? और दिल्ली कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो क्राइम कैपिटल बनती जा रही है, और बदमाश कहीं ना कहीं बेखौफ हो गए हैं। जिस तरीके से कल गोकुलपुरी इलाके में एक पेट्रोल पंप पर दो बाइक से चार बदमाश आए थे, उन्होंने करीब जो जानकारी मिल रही कि 8 राउंड फायरिंग की गई है, लेकिन जो चश्मदीद हैं उनका कहना है कि तकरीबन 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई है। हरीश जो है गोकुलपुरी उस पेट्रोल पंप के ओनर बताए गए हैं, और बताया गया है कि वो उनका भी पहले से कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, लेकिन शुरुआती इनिशियल जानकारी जो मिली उसमें ये बताया गया कि हरीश ने बताया पुलिस को कि उनके गाँव में कुछ आपसी रंजिश चल रही, शायद इसकी वजह हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में आकर पेट्रोल पंप पर खुलेआम फायरिंग, उसके बाद वहां से फरार हो जाना, पुलिस हर एक एंगल को लेकर इस मामले की जांच करी, क्योंकि किसी तरह का कोई थ्रेट नहीं मिला, किसी तरह की कोई पर्ची नहीं फेंकी गई किसी डिमांड को लेकर, या किसी भी तरीके की जो आमतौर पर जो अब दिल्ली के पिछले कुछ दिनों में लगातार अगर मुंडका की बात करें तो वहां पर अमित लाखड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपसी रंजिश गैंग वॉर को लेकर, टेलू ताजपुरिया गोगी की गैंग को लेकर, इससे पहले नागलोई की अगर हम बात करें, या फिर दिल्ली के अलीपुर की बात करें, वहां पर एक्सटॉर्शन के लिए जो गैंगस्टर्स हैं उनके गुर्गे जेल में बैठे अपने आकाओं के आदेश पर फायरिंग करते हैं, उसके बाद एक पर्ची फेंकते हैं जिसमें मोटी रकम होती है, पैसों की डिमांड। लेकिन यहाँ पर गोकुलपुरी इलाके में आपसी रंजिश को लेकर जो हरीश का कहना, जो कि उस पेट्रोल पंप का ऑनर है, उसने बताया कि आपसी रंजिश हो सकती है, मुझे लग रहा है कि शायद इस वजह से गोली चलाई गई है। लेकिन फिलहाल पुलिस मौके पे पहुंचकर तमाम अलग अलग जो सीसीटीवी हॉस्पिटल पेट्रोल पंप के अलावा जो दूसरे रूट पे जिस रूट से वो भागे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो बाइक सवार बदमाश है वो दो बाइक पे चार बदमाश थे, एक बदमाश गोकुलपुरी की तरफ भागा तो एक बाइक सवार लोनी की तरफ भागा, तो फिलहाल पुलिस अब इस रूट मैप को पूरी तरीके से एग्जामिन करने में लगी हुई, और कई टीमें बनाई गई क्या इसके पीछे की जो मेन वजह क्या है, क्योंकि बदमाश कहीं ना कहीं लगातार दिल्ली में बेखौफ होते दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं जावेद की इस पर लगाम जो है वो जल्द लगे। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से यहाँ पर 16 राउंड फायरिंग की गई है, रूट मैप आप बता रहे हैं कि पूरा उस रूट मैप को लेकर लगे हुए हैं, पुलिस जांच में जुटी हुई है, जल्द ये जांच भी पूरी हो और परिणाम इसके सामने आए। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए बुलेटिन में आप रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।